नमस्कार दोस्तों, मैं कर्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यू स्टार टेक। तो आज हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप कहीं भी खोज ही ना पाएंगे, ना ही आप प्ले स्टोर पर पाएंगे, ना ही आप गूगल या कहीं भी उस ऐप को नहीं पाएंगे। तो हम उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ से जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने बहुत ही कोशिश करने के बाद उस ऐप को डाउनलोड किया है। तो ऐप आप यहाँ से देख सकते हैं, यही वो ऐप है। तो आप इसे बहुत से अच्छे अच्छे बैकग्राउंड पा सकते हैं अपने मोबाइल के वॉलपेपर के लिए, या कोई फ़ोटो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो अपने बैकग्राउंड, अपने फ़ोटो की बैकग्राउंड के लिए वो पा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे बैकग्राउंड दिए जाते हैं। फिलहाल ये अभी शूज़ वाला वो खुल गया है, तो अभी मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। और आप नीचे देखते जाइए, आप इसमें ब्लर इफेक्ट भी अपने फ़ोटो में क्रिएट कर सकते हैं। इस ऐप से आप फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिए और अपने पिक्स आर्ट से इसको एडिट करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। तो जो आप देखते होंगे व्हाट्सएप या फेसबुक पे प्रोफाइल, आपको यहीं से वो बैकग्राउंड मिलता है एडिट करने के लिए। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड कलर बटन को दबा के, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप इस ऐप को अपना नेट चला के ओपन कर सकते हैं, और आप अपने फ़ोटो के हेयर स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हेयर स्टाइल आ गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप एडिटेड बैकग्राउंड या बैकग्राउंड अभी मैं आपको खोल रहा हूँ। तो आप यहाँ से आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिलेंगे, और साथ ही में अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक ऑप्शन रहता है एडिटेड बैकग्राउंड। तो आपको इसमें बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे, कोई भी इसका कई हज़ारों लाखों फ़ोटो मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एडिटेड बैकग्राउंड मिल रहा है। तो आप यहाँ से खोल के अपनी फ़ोटो इसमें पिक्सआर्ट से सर्च करके काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो एडिट करके अपने फेसबुक पे भेज सकते हैं, और कोई सोचेगा वाह क्या फ़ोटो है, बहुत ही अच्छी फ़ोटो। आप यहाँ पे अपने सड़क पे आप अपनी फ़ोटो खड़े होकर लगा दीजिए और काफ़ी अच्छी फ़ोटो आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड है, आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, अपने वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं इस फ़ोटो को, और सेव करके आप पिक्सआर्ट से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको पिक्सआर्ट से एडिट करने नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए आगे पिक्सआर्ट के एडिटेड ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं। तो उसमें हम आपको पूरे अच्छे तरीके से एडिट करने फ़ोटो बताएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ऐप है, यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाते हैं। तो आप इससे कई सारे फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कार वाली फ़ोटो तो दिख ही रही होगी, आप यहाँ पे कार वाली फ़ोटो भी आप एडिट करके लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई पुल है, आप यहाँ पे सामने खड़े होकर भी लगा सकते हैं, आप कार वाली फ़ोटो देख लीजिए। आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिलेंगे इसमें, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, आप कोई भी ऑप्शन अपना ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो काफ़ी अच्छा है, और फिलहाल ये फ़ोटो तो मैंने अपने इस वीडियो में एडिट करते समय लगाया है। तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मिलता है, और आपको फुल HD फ़ोटो मिलेगा, कहीं आपको लोकल फ़ोटो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटो मैंने एडिट करते समय भी लगाया है, और यहाँ पे वॉलपेपर भी लगा दीजिए, काफ़ी अच्छा वॉलपेपर आपका दिखेगा। तो देखिए मैंने इस फ़ोटो को सेव भी कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल आपको जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, आपको कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं नज़र आता है, आपको एकदम पूरा फुल HD दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए रहते हैं, और साथ में आपको PNG भी साथ में दिया रहता है। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर हमारे आवाज़ में कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस समय फीवर हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।